तो आई स्वेयर मुझे इतना आलस आ रहा है पैकिंग करने में, और यहाँ महाशय भाई लगे हुए हैं प्रॉपर पैकिंग करने में, मेरे को बड़ा आलस आ रहा है। बस 5 मिनट की एक ऐसी इतने एक छोटी सी झपकी ले रही हूँ, और भाई 9:30 से मैं एग्जैक्ट स्टार्ट करूंगी, और 10:30 पे 1 घंटे में पूरी पैकिंग कर लूंगी मस्त। एक तो आई एम नॉट सो हैप्पी यार, मैंने इस बार कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदे गाइस ट्रिप के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और इन माशे के पास इतने कपड़े हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं आया आगरा से, और आगरा से आया भी है तो भी वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कितना पुराना हो गया है, कुछ नया नहीं लिया मैंने, कपड़े ही कपड़े फैला रखे हैं। कब होगी तुम्हारी पैकिंग ओवर? 10 मिनट में। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6:15 और हम निकल चुके हैं फॉर द एयरपोर्ट। फ्लाइट है हमारी अराउंड 9:45 की, 9:45, तो चलो जी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो जल्दी पहुंचना होता है, तो यस इसलिए बहुत जल्दी निकल रहे हैं। आई थिंक सिर्फ 1 घंटा सोए हैं दोनों। अरे महाशय एज यूजुअल ऑन फोन, भाई का भी तो टेंशन दे दो, बाकी चीजों का देखना पड़ता है, ये भी सही है। कहते सब मुझे श्रिया, तो ये देखो आ चुके हैं लाउंज में, और फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, तो देखो खा रहे हैं मस्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे कौन मिला किंडर, बाय द वे हमारी फ्लाइट जस्ट मतलब 9:45 की है, और यार चलते हैं लेट ना हो जाए, सच में बहुत भूख लगी। ओ काजू कतली ले ले क्या, ले ले क्या? नहीं यार बहुत मोटी हो रही हूँ ऐसे भी, छोड़ है ना, तो चलो बीच में बैठो फिर, क्योंकि विंडो सीट होती है हमेशा फीमेल्स की। थैंक यू। फीमेल्स कौन है? थैंक यू। मेरी क्यों? लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब आपने मुझे सरप्राइज दिया था, याद है कि रिश की विंडो सीट थी और मेरी नहीं थी। फर्स्ट टाइम एमिरेट्स में हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो अभी तो हमारा इकोनॉमी क्लास है, और कभी शायद इंसान हमें एक बिजनेस क्लास में ले जाए। उन्होंने बिजनेस क्लास के प्राइस दिए एक्चुअली लास्ट मोमेंट प्लान है, तो हमने लिटरली हम उतना ही पे कर रहे हैं जितना यू नो बिजनेस क्लास वाले लोग पे कर रहे हैं, करते हैं नॉर्मली यूजुअली। जैसे आप आते हो ना गाइस, देखो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो नॉर्मली इंडिगो में नहीं मिलते हैं हमें। ये देखो यहाँ पे है एक पिलो, हेडसेट है, एंड देन स्टार है, और बस अब जा रहे हैं, और वील चेक इन इन आर होटल। जब हम अंदर आते हैं और इमिग्रेशन कराते हैं, उसके बाद देखो आपको ये फ्री सिम मिलती है, तो ये डीयू की सिम है, तो हम यहाँ पे आए हैं। पहले ये देखो लगाना पड़ता है हमें अपने फ़ोन के अंदर ये सिम जो हमें मिली होती है, और जो सिम आपने निकाली है उसको बस ध्यान से रख लेना। फिलहाल जो हमें सिम मिली थी ना उसमें ऑलरेडी 1 GB है, तो ठीक है आज का काम तो हो जाएगा। कई बार आते हो ना तो यहाँ पे सारी कैब्स खड़ी हैं, कैब्स की लाइन है, ड्राइवर को बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है तो वो आपको ले जाएगा। चलो बैठते हैं, कैब पकड़ते हैं होटल के लिए। बहुत रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक जिसको भी जो भी जब भी अवेलेबल होती है तब ये लोग भेज देते हैं कि हाँ भाई यहाँ जाओ, और सारी कैब्स की रेट सेम होती है, चाहे बड़ी हो छोटी हो सबकी रेट सेम है, और कोई आपको मना नहीं कर सकता कि जब भी आप जाओ ना। तो चलो जी हमें कौन सी मिली है देखते हैं। बस बैठ चुके हैं और चलते हैं अब टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, वी आर इन जेवोरा। तो चलो जी ऊपर चलते हैं और आपको व्यू दिखाऊंगी होटल का। ये देखो 43 से 71 तक की लिफ्ट जा रही है, और हमारा क्या है, हमारा है 60। चलो जी रूम टूर दे देते हैं जल्दी से। ये देखो घुसते ही सामने मिरर है, और आज का मेरा ये लुक था कम्फी एंड कडली, और ये देखो
ये है एक छोटू सा मिनी टॉयलेट बाथरूम, घुसते यहाँ लगेज वगैरह रख लो, फिर यहाँ पे अभी तो सारे लगेज रख दिए अंदर, ये है किचन एरिया, एंड उसके बाद दिस इज द मेन बाथरूम विद द बाथटब। हाय अगेन यू गाइस, और अब मैं आपको मेन चीज दिखाती हूँ विच इज नॉट द बेड बट द व्यू फ्रॉम हियर। भाई चेक दिस आउट, और बड़ा सा टीवी भी लगा है, मस्त नेटफ्लिक्स देख लो। चेक दिस आउट गाइस, वाओ। तो ये मुझे कुछ नहीं पता था, ये सब रिश ने बुकिंग कराई है एंड मैं तो बस आ गई हूँ। तो यहाँ से ये व्यू देखो यार, दिस इज द व्यू ऑफ द डे फॉर मी। वाओ, चाय बना दूँ? है क्यूटी टायर्ड? तो चाय पीनी है, चलो चाय बना लेते हैं। बाय द वे, जब भी आप दुबई आओ या कहीं भी आउट ऑफ इंडिया आओ गाइस, हमेशा अपने साथ ना कुछ स्नैक्स लेके आना, क्योंकि यहाँ पर आते ही कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं हो पाता या आपको इंडियन फूड नहीं मिल सकता। तो हम लोग हमारी गिरनार की मसाला चाय, जिंजर चाय, कार्डमोम चाय लाए हैं, जो कि बेस्ट होती है गाइस। बस पानी में मिलाओ और मतलब लिटरली ऑलमोस्ट, अब घर की चाय तो घर की चाय होती है, बस ऑलमोस्ट वही स्वाद होती है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे कप नूडल्स, स्नैक्स, बहुत सारी चीजें लेके आए हैं ताकि भाई कुछ ना मिले प्लीज, तो कुछ ना कुछ तो। हाँ, या मिड नाइट क्रेविंग्स एक्चुअली। सी यू सुभाषन, यू सो टायर्ड। भाई जाओ यार, बाय। अभी तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा गाइस बुर्ज खलीफा, बट न्यू ईयर पे और अच्छे से दिखाएंगे, बढ़िया तरीके से एकदम। तो अभी तो हम अपना पर्सनली मजे लेने आए हैं भाई, बहुत सही लग रहा है, बहुत ही लंबी बिल्डिंग है यार मेरा गला। बट हाँ, न्यू ईयर पे दिखाएंगे आप लोगों को शो बढ़िया तरीके से। वाह यार, मजा रे मजा। तू भाई वापस आए और हमारे डोर पे देखो ये लगा हुआ था, सो क्यूट। हाय गाइस, जय जिनेंद, देन वेलकम बैक टू आवर व्लॉगिंग चैनल। व्लॉगिंग चैनल, और आज है डे टू दुबई में, और आज हम दोनों मस्त थोड़ा सा लेट उठे हैं बिकॉज कल ना ट्रैवल कर रहे थे तो थोड़ा थक गए थे। तो आज हम जा रहे हैं मस्त शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, लिटिल शॉपिंग फिर से क्या फिर से मतलब क्या होता है, कल हमने थोड़ी सी कम करी थी गाइस, तो मेरा दिल नहीं भरा था। तो आज हम जा रहे हैं फिर से शॉपिंग पे, आज हम थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, आई थिंक योर फ्रेंड सजेस्टेड नाइफ सूक, हाँ है ना। कल हम लोग गए थे सिटी सेंट्रल, वहां पे भी थोड़ी बहुत की, वहां पे तो मेनली यू नो मॉल था पूरा, तो ब्रांड वगैरह थी, तो ये थोड़ा सा लोकल होने वाला है। तो चलो चलते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट उठे हैं, तो चलो लेट्स लीव एंड चेक आउट कि यहाँ का कुल स्ट्रीट शॉपिंग कैसी होती है, और देखने को भी मिलेगा ये एक्चुअली में भी स्ट्रीट है भी या नहीं। तो चलिए अपना लुक निहारते हुए, जो कि मैंने स्टाइल किया है गाइस, बताओ कैसे लग रहे हैं रिश आज पूरे बेज कलर के आउटफिट में। मुझसे बेटर क्यों लग रहे हो तुम यार, मुझसे बट मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो, ट्रू दैट, एंड दिस इज माय आउटफिट। चलिए जी, वाओ, एंड लुक एट द व्यू रूम के बाहर का। चलो तो आज हम जाएंगे मेट्रो से, क्योंकि इवन पैसों की भी बचत होती है एंड इवन टाइम भी कम लगता है। ठीक है, टाइम तो सिमिलर सा लगता है, बट अभी पीक टाइम है तो हमने सोचा नहीं यार मेट्रो, हाँ ट्रैफिक मिलेगा तो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ की भाई गाड़ियाँ देख लो, हर एक एक गाड़ी ऐसे जाती है ना, मस्त की उड़ लग रहे देखो। और टैक्सी लेते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है, नुकसान क्या दस फालतू खर्चा। मेट्रो से तो हम निकल चुके हैं और अब रिश ले जा रहे हैं पिलाने कोई तो जूस, जो रिश को बहुत पसंद है, तो अभी देखते हैं कैसा जूस होने वाला है, मुझे तो नहीं पता, लेट्स सी। Apparently me and Rishabh fought and then now she is searching for me ki main kahan gayi, see she is searching
ढूंढ रहे हैं अभी कहाँ चली गई मैं. Well, I was wrong. He's shopping. He's not searching for me. तो भाई सेकेंड हम आए थे यहाँ पे एक मार्केट और उसमें अब हमारे तो पैर दुख गए भाई चल चल के. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं मस्त मसाज करवाने जा रहे हैं. सो यस चलो नाउ ही इज वेटिंग देयर एंड यप उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि अभी तो दुख रहे हैं बड़े पैर. तो मस्ती मसाज कराएंगे. यहाँ देखो इस मार्केट में कितनी भीड़ है भाई, कितनी भीड़ है. अरे वो सिटिंग हियर कहाँ चले गए भाई साहब. नेक्स्ट लेवल मजे आ रहे हैं भाई. ऐसा लग रहा था कितनी थक गई हूँ, कितनी थक गई, मतलब सेकेंड डे हुआ नहीं है और थक गए. नेक्स्ट लेवल थक गए भाई. तो मस्त 5 मिनट की मसाज रिफ्रेश कर दिया. पहुंच चुकी है अब हम दुबई मॉल और हम मिलने जा रहे हैं मेरे भाई लकी से. और मुझे मॉल देखना भी था बट मॉल हम अच्छे से जाएंगे बाद में. फिलहाल तो हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं और थोड़ा सा और लीजर एक्टिविटीज करने जा रहे हैं. और यस बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ मैं अपने भाई से. तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. जस्ट ये देखो पहुँच गए मॉल. चले अंदर चलते हैं और मैं मिलवाती हूँ आपको उससे. बहुत पहले तो मार खाएगा, शादी में भी नहीं आया था बट आई अंडरस्टैंड. बट चलो कोई बात नहीं. आर यू एक्साइटेड? वेरी मच एक्साइटेड. गाइस म्यूजिक सेंटर कितना क्रेजी लग रहा है. सारे गिटार हैं यहाँ पे. ये देखो कौन सा गिटार दिला रहे हो, प्लीज एक गिटार दिला दो. जो है वो तो बजा लो पहले, है ना. लास्ट टाइम कब छुआ था? हाँ बहुत टाइम हो गया बट कितना क्रेजी लग रहा है यार. हेलो और मेरे भाई कैसा है? बढ़िया. शादी में क्यों नहीं आया मैं और वो, तुमसे दोनों ना रहा. तो अब मतलब यहाँ पे होगी शॉपिंग जो कराएगा तू. इंशाल्लाह देखो वॉशरूम देखो भाई कितना ट्रिपी है. ओ भाई हाँ ये लड़कियों का है. ओ नाइस बहुत ट्रिपी है यार ये तो. वेरी ट्रिपी वेरी ट्रिपी. माय गॉड समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ चले कहाँ नहीं. वेरी ट्रिपी प्लेस क्रेजी.